स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेज दिया है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप जानोगे कि क्या होता है। क्या होता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ये देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव्स द मैसेजेस फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट्स इट एंड डायरेक्ट इट टू द मोटर न्यूरॉन्स दैट आर कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी के सभी पार्ट्स से, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी से मैसेजेस को रिसीव करता है और फिर हमारी हम उस पर इंटीग्रेट करें और उसको कनेक्ट करता है बॉडी के दूसरे पार्ट से। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट करता है, जिसके वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारे सामने अगर कोई हमारे आंखों के सामने हेडलाइट का जब आता है, सामने फ्लैश होता है, तब हम क्या करते हैं? तो हमारी आंखें अपने आप पलकें अपने आप झपक जाती हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये मतलब ये हमारी आंखें रिस्पॉन्ड कर रही है ना, तो वो किसके वजह से हो रहा है? वो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड होते क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक लंबा ट्यूबुलर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का बंडल होता है, ट्यूबुलर बंडल होता है, यानी कि बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं उसमें, जो विच कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो क्या करते हैं? विच कैरी इंफॉर्मेशन, जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट से और ब्रेन के बीच में जो इंफॉर्मेशन का आना जाना, जो जो कैरी करना होता है इंफॉर्मेशन का, वो काम हमारा करता है ये न्यूरॉन्स। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय अ बोनी बॉक्स इन साइड विच द ब्रेन इज कंटेंट इन अ फ्लूड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन ब्रेन जो होता है, हमारी जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स से कवर्ड रहता है, ठीक, जिसके अंदर क्या होता है? ब्रेन रखा जाता है और ब्रेन के ब्रेन को जो बचाता है, मतलब हार्म होने से, इंजरी होने से, वो कौन बचाता है? वो बोनी बॉक्स बचाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को कुछ भी हार्म नहीं पहुंच पाता है। और उसी ब्रेन जो होता है वो ब्रेन इज कंटेंड इन अ फ्लूड फिल्ड बलून, एक बलून जो कि फ्लूड से भरा हुआ होता है उसमें रखा जाता है, जो विच प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन, जो शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में ये स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसके थ्रू इंक्लोज्ड रहता है। अब देखिए, ह्यूमन ब्रेन, दो चीज़ें आपने पढ़ रही हैं इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक तो ह्यूमन ब्रेन पढ़ रही हैं और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रही हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, हमारा जो ब्रेन है वो थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज फोर ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन और मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेन आर हियर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब क्या हुआ? जो आगे का पार्ट है ब्रेन का। मिड ब्रेन यानी कि ब्रेन का जो बीच का भाग है, और हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे का भाग। ठीक, ये तो आपने इससे समझ लिया होगा। चलिए, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम। फोर ब्रेन क्या है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये, ठीक, ये आप देख रहे हो फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है, यहाँ पे आप देखो तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये फोर ब्रेन जो होता है वो, ये जो हमारा एरिया है ये क्या है? फोर ब्रेन है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। किससे बना होता है ये? सेरिब्रम से। अब क्या फंक्शंस होते हैं इसके? देखिए, ह्यूमन ब्रेन
का आपने पढ़ा, थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या है? पहला तो फंक्शन ये होता है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। भाई हम जो सोचते हैं, समझते हैं, हमारी सोचने की जो क्षमता होती है वो इस पार्ट के थ्रू होती है। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शंस हैं उसको ये कंट्रोल करता है। नाउ द थर्ड वन स्टोर्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स इंफॉर्मेशन मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, ये स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट्स इट्स। अब ये क्या करता है, जितने भी सेंसरी इंपल्सेस हैं वो जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है, रिसीव करता है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, और जब हमें भूख लगती है तो हमें ये बताता है, दैट इज अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। ठीक, अब आपने पढ़ लिया फोर ब्रेन क्या होता है, अब देखिए मिड ब्रेन क्या होता है। मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। देखिए जो मिड ब्रेन होता है वो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन समझते हो आप लोग, जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे हम हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं अचानक से बड़ी हो जाती हैं, और रिफ्लेक्स मूवमेंट है हाथ का, नेक का, ट्रंक का, हम अपने प्यूपल साइज को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हेड और नेक को मूव करा सकते हैं, ट्रंक को मूव करा सकते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होंगे, ये मिड ब्रेन के थ्रू होता है और इनवॉलेंट्री एक्शन को ये कंट्रोल करता है। ठीक, हाइंड ब्रेन क्या होता है, इट हैज थ्री पार्ट्स। हाइंड ब्रेन जो होता है तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, देखिए सेरिबेलम और मेड्यूला और बोन्स। ठीक, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सेरिबेलम क्या करता है, ये कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर और बैलेंस को, देखिए हमारी बॉडी का जो भी हम गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, सबका कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो ब्रेन के पास होता है। ठीक, अब आपको ये पता चल ही गया है कि ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आप लास्ट इसका पढ़ रहे हो, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हो, तो हाइंड ब्रेन जो होती है वो थ्री पार्ट से मिलकर बनी हुई है, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स। सेरिबेलम जो होता है वो हमारे पोस्चर और कंट्रोल्स को, पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, एंड प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस को प्रिसाइज करता है, जैसे पिकिंग पेन, जैसे हम पेन को उठाते हैं, तो दैट इज कंट्रोलिंग बाय सेरिबेलम। मेडुला, नाउ मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। मेडुला जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वॉमिटिंग है। ठीक है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है। पॉन्स, पॉन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के रेगुलेशंस में को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। अब इसकी प्रोटेक्शन के बारे में भी आप पढ़ोगे, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। चलिए पहले हम प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में आप देखोगे, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो ब्रेन होता है वो पहले तो वो किसके अंदर होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक बोनी बॉक्स होता है, ठीक, हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है, फिर उसके अंदर ब्रेन होता है। लेकिन ब्रेन को भी हम ऐसे नहीं रखते हैं, ब्रेन को कहाँ रखा जा गया है, हमारे जो एक बलून शेप का बलून है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, हाँ, जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर मतलब क्या हुआ कि कभी कुछ चोट लगती है या कभी कभी इंजरी होती है तो उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दैट इज इंक्लोज इन क्रैनियम, और किसमें इंक्लोज रहता है, क्रैनियम में। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बोनी बॉक्स से या स्कल से इंक्लोज होता है।
अब देखिए प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज इंक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, आपको ये बताया ही गया है पहले भी, स्पाइनल कॉर्ड को कहाँ रखा गया है, वर्टिब्रल कॉलम से ये इंक्लोज होता है, चारों तरफ से घिरा होता है। अब देखिए ये कैसे नर्वस सिस्टम वर्क करता है, देखिए फॉर द वॉलंट्री एक्शन द ब्रेन हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल। जब देखिए दो तरीके के एक्शन होते हैं, वॉलंट्री एक्शन होता है और कौन सा, वॉलेंट्री एक्शन होता है और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। दो तरीके के एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारी हमें मूव करना है, हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन वर्क करेगा। तो फॉर द वॉलेंट्री एक्शन द ब्रेन हैज टू सेंड मैसेजेस टू मसल। तो हमें यहाँ से वहां जाने के लिए हमें क्या, कौन से मैसेजेस सेंड कर रहा है, ब्रेन सेंड कर रहा है, ब्रेन जो है वो मैसेजेस सेंड कर रहा है जिसे हम यहाँ से वहां पर अपने जा सकें और अपने मसल्स को मूव करा सकें। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाई द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका वेट 1.4 kg होता है, ठीक, और स्कल के क्रैनियल कैविटी में होता है। ब्रेन थ्री पार्ट से सराउंडेड होता है, तीन भागों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं पायामीटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन और ड्यूरामीटर। ठीक, जो ड्यूरामीटर होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अच्छा, थ्री लेयर दिखी है आपको, तो दो लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें कुछ फ्लूड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो बच्चों ब्रेन जो होता है वो, आप देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भाग से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ ही चुके हो, चलिए हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं कि ब्रेन जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोमेंसेफेलॉन कहते हैं। देखिए फोर ब्रेन जो होता है वो आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन से, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। और जो हाइंड ब्रेन होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, चलिए इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप थोड़ा सा, आपको ये बता दें कि स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो भी इम्पल्सेस हैं ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी के पार्ट्स में सभी तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का मेन पर्पस, मेन फंक्शन। अब देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, देखिए दो तरीके का नर्वस सिस्टम था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम था। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, क्रैनियल एंड स्पाइनल, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो हमारी ब्रेन से निकलती हैं, जो कितनी, 12 pairs होती हैं। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 pairs होती हैं, जो हमारी ब्रेन से निकलती हैं। और इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम होता है कि सेंस ऑर्गन से इम्पल्सिस को लेना और ले जाकर उसको कहाँ पर ट्रांसमिट करना, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, सही भागों में ले जाकर ट्रांसमिट करना। ठीक, और स्पाइनल नर्व्स का काम क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही हैं। देखिए स्पाइनल से ही आपको समझ में आ रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड से कितनी पेयर स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, 31 pairs। ठीक, 31 pairs स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। और ये क्या करती हैं, दीज आर मिक्सड नर्व्स, ये मिक्सड नर्व्स होती हैं, सो दे ब्रिंग एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये इम्पल्सिस को ले आती हैं और बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ले जाकर उसको ट्रांसमिट कर देती हैं। मतलब ट्रांसमिशन का काम दोनों ही नर्व्स का होता है, क्रैनियल नर्व्स का भी और स्पाइनल नर्व्स का भी।
तो बच्चों आज आप लोगों ने दो टॉपिक का अच्छे से क्लियर किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आता है आप पूछिए, ठीक। और आगे और भी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले और उसके बारे में आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और साइंस स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।